दोस्तों नमस्कार, स्वागत है राइटर पटेल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे कचौरी के लिए मसाला बनाने का तरीका। ड्राई वाली कचौरी, मूंग दाल की कचौरी एकदम बेहतर और सिंपल तरीके से। तो वीडियो को अंतिम तक देखिए, आपको पूरी रेसिपी समझ में आएगी। और इस मसाले को एक बार बनाने के बाद आप चाहो तो 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम दाल को भिगो कर ले लिए हैं। ये है पीली वाली मूँग दाल, इसको भी हमने 4 घंटे तक भिगो के रखा था। और उड़द दाल को भी 4 घंटे तक भिगो के रखा था। दोनों दाल अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, अच्छे से भीग गई है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो मूंग वाली दाल है ये तो मैंने ली थी 1/2 किलो, ये ली थी मैंने 250 ग्राम। अब इन दोनों दालों को हमें दरदरा पीस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मूंग दाल को और उड़द दाल को दरदरा पीस कर ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको आगे का पूरा मसाला क्या क्या है बता देता हूँ। यहाँ पर मसाले दोस्तों, और एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर ये जो कचौड़ी बना रहे उसके लिए बेसन लेते हैं, तो बेसन की जगह मैंने यहाँ पर चटपटी नमकीन ली है, बूंदी है, ये भुजिया सेव है, ये गांठी सेव है, और ये चना दाल है, और ये दाल मोट है। इनको पीस कर भी इसका एक दरदरा पाउडर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो मसाले हैं दोस्तों, ये जीरा पाउडर हल्का सा मैंने दरदरा कूट कर लिया है, भुना हुआ जीरा 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक अपने स्वाद अनुसार, मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 2 टीस्पून, और हल्की सी कूट कर मैंने लिए बड़ी सौंफ का पाउडर बनाकर 1 टीस्पून, और जीरा यहाँ पर 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, और यहीं पर मैंने लिया दोस्तों हींग, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। और ये यहाँ पर हमने नमकीन को पीस कर एक दरदरा पाउडर तैयार कर दिया है। तो अभी हम मसाला तैयार करते हैं। तेल गर्म आ चुका है, मैंने यहाँ पर दोस्तों मसाला फ्राई करने के लिए राई का, सरसों का तेल लिया है, क्योंकि सरसों के तेल में मसाला बनाएंगे ना तो उसकी स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा, और आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर ऐड करते हैं जीरा। जीरा यहाँ पर हम 1 टीस्पून, 1 चम्मच ले रहे हैं, और हींग ऐड करेंगे। हींग यहाँ पर अच्छा डालें तो हींग का जो स्वाद आएगा बहुत ही बढ़िया रहेगा। मिर्ची पाउडर तीखा आप अपने स्वाद अनुसार बनाएं। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, और अब इसे इन मसालों को पहले अच्छे से पकने दें हल्का सा। हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, इसके लिए हम पर सब कुछ मेजरमेंट के साथ ले रहे हैं। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों हम वरियाली बड़ी सौंफ का पाउडर 1 चम्मच, और नमक अपने स्वाद अनुसार। मसालों को अच्छे पकने दें। अब यहाँ पर ऐड करते हैं दोस्तों दरदरी पीसी हुई दाल। पहले उड़द दाल ऐड कर देते हैं, उसके बाद में ऐड करेंगे मूंग की दाल। दाल को भी हमें अच्छे से पकाना है धीमी आंच पर। इसमें पानी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है हमें। मूंग दाल भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छे अच्छे मिला ले पूरी दाल को भी, और धीमी आंच पर दाल को अच्छी तरह से पकने तक हमें इसको चलाना है। अब यहाँ पर ऐड करते हैं दोस्तों भुना हुआ जीरा पाउडर और गरम मसाला, दोनों हमने 1-1 टीस्पून लिया है। और अब इसके अंदर ऐड करते हैं बारीक पाउडर किया हुआ नमकीन, अच्छे से मिक्स कर ले। मसाला यहाँ पर दोस्तों बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं पूरा एकदम बढ़िया, और इसको अच्छे से पूरा खुला खुला होने तक हमें इसको मिक्स करते रहना है, वो भी धीमी आंच पर। जितना बढ़िया इसको पकाएंगे उतने ही ज़्यादा दिन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं ये कचौरी का मसाला। इससे आप ड्राई कचौरी और ड्राई समोसे भी बना सकते हैं। इस मसाले को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं,
और ये कचौरियाँ इसकी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होती हैं। तो यह देखिए एकदम बढ़िया तरीके से मसाला हमारा तैयार हो चुका है कचौरी का। तो इस तरीके से आपको बनाना है और अपनी दुकान के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमने बता दिया है, तो ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और आप भी बनाइए और आप बनाने वाली वीडियो और छोटे छोटे क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।